अब लंच कर रही है, अपना मन तो उतना नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे खा रही है। धीरे धीरे खाएंगे। तो धीरे धीरे खा रही है मम्मी अभी। जल्दी से हम लोग भी यहाँ से घर जाएं, और मम्मी हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है ना, कितना भी अच्छा फैसिलिटी क्यों ना मिल जाए, लेकिन घर का तो बात ही अलग होता है। तो गाइज, ये सर्जरी के अगले दिन का वीडियो है, और देखिए आज मम्मी का कंडीशन पहले से तो बेटर है, मम्मी को अच्छा फील हो रहा है पहले से, और देख के भी पहले से अच्छा लग रहा है। पहले से अच्छा लग रहा है। मम्मी दर्द दर्द वगैरह कैसा है अभी? अब दर्द कम है। दर्द कम है अभी? तो अभी दर्द वगैरह भी अब मम्मी को कम हो गया है, और हम लोग आज शाम में या कल सुबह हम लोग अब यहाँ से घर भी जाएंगे, मम्मी को डिस्चार्ज मिल जाएगा। और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, पापा भी आए हुए हैं अभी, नहा धो के आए हैं अभी, पापा भी यहाँ पे, और यहाँ मम्मी। और देखिए मम्मी का लंच भी आ गया है दोपहर का, अब मम्मी को मतलब खाना भी खा सकती है अब। तो यहाँ का देखिए मम्मी को लंच आ गया है, तो ये खिचड़ी है, चोखा है, और ये कद्दू का सब्जी है। तो अभी पेशेंट के अकॉर्डिंग अच्छा यहाँ पे लंच मिल जाता है हॉस्पिटल में भी, तो फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छा है हॉस्पिटल में, सब कुछ ठीक है। तो चलिए मम्मी को अब लंच देते हैं, मम्मी लंच कर लेगी अभी। धीरे अब लंच कर रही है, अपना मन तो उतना नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे खा रही है। धीरे खाएंगे। तो धीरे धीरे खा रही है मम्मी अभी। कोई तेल मसाला नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है पेशेंट के खाने लायक, अच्छा देता है। ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मम्मी भी अब रिकवर हाँ कर रही है अच्छे से। तो होप अब जल्दी से हम लोग भी यहाँ से घर जाएं, और मम्मी हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है ना, कितना भी अच्छा फैसिलिटी क्यों ना मिल जाए, लेकिन घर का तो बात ही अलग होता है। लेकिन हॉस्पिटल तो मजबूरी में आना ही होता है, इंसान को रहना ही पड़ता है जब तक डॉक्टर बोलते हैं रहने के लिए। लेकिन अब मम्मी पहले से ठीक है, तो हम लोग डिस्चार्ज डॉक्टर बोल भी दिए हैं कि आज शाम में या कल सुबह तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो फिर हम लोग चलेंगे। और मम्मी अभी लंच कर लेती है तब तक। तो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज मम्मी का डिस्चार्ज वाला डे है, आज मम्मी को हॉस्पिटल से घर जाएगी मम्मी। तो सुबह से मम्मी भी थोड़ा, मम्मी का मूड अच्छा है, थोड़ा एक्साइटेड है, क्योंकि इतने दिन हॉस्पिटल रहने के बाद लगता है कि कितने जल्दी घर जाएं। घर पे मतलब जो सुकून मिलता है, जो अच्छा लगता है घर पे, किसी को भी अपने घर पे जाके, क्योंकि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, चाहे आपको कितना भी अच्छा फैसिलिटीज क्यों ना मिल जाए हॉस्पिटल के अंदर, बट वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही होता है। माइंड इंसान का उतना रिलैक्स नहीं हो पाता है हॉस्पिटल में, चाहे फैसिलिटीज़ कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट क्यों ना हो जाए। पहला तो रहता है कि हेल्थ का तो इश्यू इंसान को रहता है, तभी हॉस्पिटल आता है, तो माइंड उस हिसाब से इंसान का रहता है कि जल्दी सा ठीक हो जाए। और आज मम्मी थोड़ा खुश भी है कि आज मम्मी को डिस्चार्ज होके घर जाएगी। इधर है तो मम्मी, आज कैसा लग रहा है, आज घर जाना है? हाँ ठीक लग रहा है, और पहले से भी अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा वीकनेस तो है, वीकनेस बहुत बट लग रहा है, अभी वीकनेस है। धीरे धीरे ही वो रिकवर हाँ होगा वीकनेस। हाँ थोड़ा लग रहा है, अभी आँख बंद करके रहे, लेटे रहे, अभी लग रहा है ऐसा, लेकिन आज डिस्चार्ज आने घर जाएंगे तो अभी ब्रेकफास्ट आएगा और चाय अभी आएगा, उसके बाद चाय तो दे दिया है यहाँ चाय दे पे, दिया। चाय दे दिया है अभी यहाँ हाँ पे, ब्रेकफास्ट और आएगा। अभी ब्रेकफास्ट आएगा तो मम्मी ब्रेकफास्ट करेगी, हाँ और फिर हम लोग निकलेंगे घर। अब हम लोग गाड़ी से, गाड़ी लेके आएगा अभिषेक, अभी तो निकलेंगे। फिर हम लोग निकलेंगे घर अभी आराम से, तो घर पास में ही है हमारे ये हॉस्पिटल से, सेंटा बेटा से, तो हम लोग आराम से घर पहुंच जाएंगे जल्दी। फिर घर पे चलते हैं, और घर पे आप लोग को फिर घर का दिखाएंगे। हम लोग काफी दिन हो गया हम लोग भी हॉस्पिटल में ही हैं, जब से मम्मी एडमिट हुई है आज 3 दिन हो अचानक गया। आए वो तो आप लोग तो देखे ही होंगे कि हम लोग गए हुए थे वहाँ, उज्जैन, उज्जैन गए थे, तो वहाँ आए, बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया, सब कुछ हुआ, यहाँ भी अच्छे से और ही भोले रहेंगे। बाबा के हाँ आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ सब अच्छे से हो अच्छे गया। से रहा, तो अभी हाँ, पता ही नहीं था हम लोग को बहुत दिन से, ये स्टोन है ना, कभी दर्द हुआ ना बुखार हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ, कोई सिस्टम ही नहीं था। अचानक से बस एक ही दिन दर्द हुआ, फिर हाँ टेस्ट करवाई तो फिर पता चला कि स्टोन है, तो फिर चलिए लगले जो भी था। अभिषेक ऑपरेशन ही करवा हाँ, दिए। डॉक्टर बोले तो वैसे ही हम लोग बोले कि अब जब पता चल ही गया है कि प्रॉब्लम है तो उसको निकलवा लेना ज़्यादा अच्छा होता है, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको रखना ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मम्मी का जो स्टोन था उसको हम लोग डॉक्टर से सजेशन लेके सर्जरी करवा लिए, क्योंकि इसका एक ही ऑप्शन था, क्यूरेबल नहीं है मेडिसिन से,
तो इसका आज ना कल आपको सर्जरी कराना ही है, तो इसलिए हम लोगों ने सर्जरी करा लिया। और जो स्टोन था मम्मी का वो गेल ब्लैडर में स्टोन था, तो इसका ऑप्शन कुछ नहीं था, एक ही था सर्जरी। तो मल्टीपल स्टोन था मम्मी को, तो अभी मम्मी का सर्जरी हो गया अच्छे से, और अभी 8-10 दिन तो कम से कम मिनिमम लग ही जाता है थोड़ा रिकवर होने में, तो धीरे धीरे मम्मी भी अच्छे से रिकवर हो जाएगी, फिर पहले के जैसा मम्मी भी सही से घूमेगी। फिर अभी तो थोड़ा दिन रेस्ट करना है मम्मी को, है ना मम्मी? तो चलिए कोई नहीं, अब हम लोग यहाँ से जगह हाँ, तो अब जगना तो पड़ेगा गाइस यहाँ पे। अब तो चलिए कोई नहीं, अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं हॉस्पिटल से, अब हम लोग घर पहुँचेंगे, और घर पहुँच के फिर आप लोग को हम लोग घर का दिखाएंगे अपने। और मम्मी का अभी तो मम्मी का थोड़ा केयर भी चाहिए थोड़ा अच्छे से, तो हम लोग सबको मिल के मम्मी का भी ध्यान रखेंगे अच्छे से, और मम्मी बहुत जल्दी ठीक होगी, पहले के जैसा फिर से मम्मी ब्लॉग बनाएगी काफ़ी जल्दी। तो आप लोग भी प्रे कीजिए कि मम्मी बहुत जल्दी पहले जैसे हो जाए, पहले जैसे एनर्जेटिक फिर से हो जाए, अभी तो थोड़ा एनर्जी कम है मम्मी को क्योंकि थोड़ा वीक हो गई है अभी, तो आप लोग प्रे कीजिए कि मम्मी जल्दी से रिकवर हो जाए। हाँ आज नकल कराना ही था गाइस, इसलिए हम लोग जल्दी से करवा लिए इसको। तो चलिए फिर हम लोग घर पहुँचते हैं और आप लोग को फिर घर का दिखाते हैं हम लोग। अरे अब मम्मी घर जा रही है, तो मम्मी डिस्चार्ज हो गई है अब। चलो मम्मी, मम्मी को थोड़ा अभी चलने में थोड़ा दिक्कत है, तो धीरे धीरे मम्मी उतर रही है अच्छे से, मम्मी को पकड़ के उतरवा रहे हैं। कार यहाँ तक आ गया हम लोग का, बैठ गई मम्मी ठीक से। तो गाइस अब चलिए मम्मी को लेके घर चलते हैं, अभी मम्मी यहाँ बैठ गई है, तो अब चलते हैं घर हम लोग। काफी अच्छा लग रहा है आज, बहुत दिन के बाद हम लोग बहुत दिन तक हॉस्पिटल में 3-4 दिन 5 दिन रहना पड़ गया हम लोग को। पांच दिन के बाद मम्मी अब बाहर निकली है, धूप हवा सब कुछ मिल रहा है, वहाँ तो हॉस्पिटल सेंट्रलाइज ऐसी था, तो बाहर का धूप और हवा तो मम्मी 5 दिन से ली भी नहीं, तो आज काफी दिन के बाद मम्मी आज बाहर थोड़ा निकली है, और धूप काफी अच्छा हुआ है, देखिए काफी अच्छा धूप है। शनि मंदिर